झारखंड के सिमडेगा में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई आकर्षक झांकी। झांकी में दिखा सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड के सिमडेगा में रामनवमी के उपलक्ष में सिमडेगा के महावीर चौक पर रामनवमी प्रबंधक समिति सिमडेगा द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन गुरुवार की रात्रि आकर्षक झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बजरंगबली के पूजा अर्चना के साथ किया गया। श्री रामनवमी प्रबंधन समिति की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में सिमडेगा के कई अलग अलग अखाड़ों ने भाग लिया। अखाड़ों के सदस्य ने अलग अलग धार्मिक प्रसंगों पर कई आकर्षक झांकी प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में सनातन संस्कृति का गौरवमय इतिहास रामायण पर आधारित झांकी दिखाई गई। इस प्रतियोगिता में बजरंगी संघ हरिपुर, महावीर चौक महावीर मंदिर, नीचे बाजार राम जानकी मंदिर, बाबा किनराम, बाबा बैजनाथ, श्री राम अखाड़ा टोंगरी टोली, युद्ध कॉम्बिनेशन के द्वारा मनमोहक झांकी दिखाया गया। आज 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में सनातन धर्म को मानने वाले लोग शामिल होंगे। विभिन्न अखाड़ा समिति के लोग विशाल महावीर ध्वजा के साथ अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए नगर भ्रमण कर महावीर चौक पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि यह कार्यक्रम 41 साल पहले 1982 ईस्वी में सबसे पहले शहर के कुछ उत्साही युवकों के द्वारा महावीर चौक में बजरंगी झंडा एकत्र कर खेल और पूजा का आयोजन किया गया। तब से आज तक हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर सिमडेगा के डीसी, एसपी, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष के साथ साथ विभिन्न हिंदू संगठन के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राज सिंहासन में रखकर अयोध्या में राज चलाया और जब वनवास खत्म करने के बाद भगवान श्री राम वापस अयोध्या की ओर लौट कर जब आए थे, तब अपने माथे में खड़ा रखकर भरत दौड़ते हुए पहुंचे थे और भगवान श्री राम का स्वागत किया था। वो जो राम और भरत का उस समय का मिलन था, काफी भावनात्मक दृश्य। इसी बीच अब ये जो झांकी काल भी अब मैं पुनः हमारे राम भक्त महिला अखाड़ा के मतलब आग्रह करूंगा कि नृत्य की तैयारी की है। नृत्य बच्चा बच्चा राम का नृत्य की प्रस्तुति आप करें। सभी लोग आग्रह की थोड़ा सा व्यवस्था बना के रखे आराम से। कितना सुंदर अभी खड़े दूसरी तरह से खड़ा रहेंगे, फिर से करवा दिया जैसे अभी खड़े उसी तरह से। कितना सुंदर सुंदर कल राम जन्मोत्सव के मौके पर श्री राम जानकी मंदिर में धर्मादा समिति के द्वारा धूमधाम के साथ राम जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा और भगवान श्री राम का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा, पूजन कार्यक्रम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।